नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बीच अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर सपा नेता आजम खान ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। आजम खान ने रामपुर के जिलाधिकारी समेत 4 अधिकारियों को रामपुर से तुरंत हटाने की मांग कर डाली है। बता दें कि आंजनेय कुमार एक ईमानदार अधिकारी हैं, उन्होंने आजम खान पर शिकंजा कस रखा है। इसी बात से घबराए आजम खान उन्हें रामपुर से हटाना चाहते हैं। आप भी देखिए हमारी ये वीडियो रिपोर्ट। ये 4 अफसर रामपुर का माहौल खराब करने के लिए भेजे गए हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदन, सिटी मजिस्ट्रेट, ये जिन जिन जिलों में रहे हैं इन्होंने कमजोरों को बेजार कर रखा है। इनका इतिहास पता चलाओ। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने रामपुर का माहौल खराब करने में कौन सी कसर छोड़ दी। रामपुर को खून में नहाने से क्या बच गया हमें? क्योंकि इनके मंसूबे मालूम थे इसलिए हमने हालात खराब नहीं होने दिए। ये शहर हमारा है, ये रिश्ते हमारे। अजीजों, खुदा ना करे अगर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में ये कामयाब हो गए, इनका उसी दिन तबादला कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको हिफाजत से हटा दिया जाएगा और हमारे तो खरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।